सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 व 35 ए को हटाए जाने से खुश फतेहपुर के कस्बा बनाल वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी और जय श्री राम के खूब नारे लगाए। अपने आप में ये वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। ये फैसला लेने में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सक्षम थे और उन्होंने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जे हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आज वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। और जम्मू और कश्मीर को दो स्टेटों में बांटा गया, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए मैं अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। ब्लॉक कांग्रेस फतेहपुर के अध्यक्ष हैं, तो आज केंद्र सरकार ने एक फैसला है 370 खत्म करने का जम्मू कश्मीर में, तो इस पे आपका क्या कहना है? जो देश के हित में कोई भी सरकार हो अगर काम करती है तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमारी उसका जो है वो विरोध नहीं करती है। मतलब कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है कि 370 हटनी चाहिए थी। मैं बोल रहा हूँ ना कि देश के हित में जो भी कदम उठाए जाते हैं और देश के हित में होते हैं उसके लिए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को विरोध का मतलब ही नहीं होता है, समर्थन देना ही चाहिए। तो क्या इससे पहले क्यों नहीं ये धारा हटाने की हिम्मत कर पाई यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार या अन्य सरकारें जो भी आई हैं? कांग्रेस सरकार या यूपीए दूसरी सरकारें जो भी आई हैं आज तक वो पूर्ण बहुमत में बहुत कम आई हैं, क्योंकि जब विपक्ष ज़्यादा होता है तो कई दल ऐसे हैं कि मेरे पक्ष में हैं, कोई दूसरे के पक्ष में है, कोई विरोध में है, तो इस वजह से ये चीज़ें चल रही थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी की फुल प्लेट फुल समर्थन में सरकार बैठी है, जो कि जिनको के किसी का समर्थन नहीं चाहिए वो अपना विधेयक अपने कुनबे से ही पास कर सकते हैं। मतलब ये जो फैसला लिया गया इससे देश का उत्थान होने वाला है? ये अभी आने वाला समय बताता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या कमियां हैं, क्या पेशियाँ थी, आम नागरिक को इसके बारे में पता भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में आज सबसे बड़ा दिन है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 370 धारा हटाने से कश्मीर दोबारा फिर स्वर्ग बनेगा, जैसे कश्मीर कभी पहले होता था वैसे स्वर्ग बनेगा। 370 की धारा की वजह से हिंदुस्तान ही निराश नहीं था, कश्मीर के लोग भी जितने भी सुखी थे, इतने जो दंगे होते थे वो 370 धारा के कारण ही होते थे, वो अपने आप को असुरक्षित समझते थे। मैं समझता हूँ कि इतने ऐतिहासिक फैसले से आज कश्मीर के लोग जो है वो दोबारा फिर सुखी होंगे और बढ़िया होंगे और अच्छी तरह वहाँ तरक्की होगी। तो सर आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन लिखा गया, इसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, इस पर आपका क्या कहना है? अपने आप में ये वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। ये फैसला लेने में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सक्षम थे और उन्होंने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जे हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आज वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। और जम्मू और कश्मीर को दो स्टेटों में बांटा गया, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए मैं अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एन स्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।